दोस्तों थंबनेल देखे तो आपको पता चल ही चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, यूट्यूब के मोनेटाइजेशन को लेके। दोस्तों पहले तो आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कर दो, हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन अनेबल हो चुका है दोस्तों, बहुत पहले ही हो चुका था। मैं पहले वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं अपने शहर से बाहर था, आज फाइनली पहुंचा तो मैंने सोचा वीडियो बना ही डालते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी टिप्स दूंगा। दोस्तों मेरा चैनल इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि मैं आपको कोई बड़ी बड़ी टिप्स दे दूं जिससे आपका चैनल ग्रो हो जाए, लेकिन इतना तो चैनल का स्टैंड बन ही चुका कि मैं आपको छोटी सी टिप्स तो दे ही सकता हूँ। दोस्तों अगर आपको उस टिप से हेल्प हो तो ठीक है, नहीं हो तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो आगे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ऐसा मैंने क्या किया अपने चैनल पे कि वो जो YouTube का टास्क था 4000 घंटे, वो 10000 व्यूज, 1000 सब्सक्राइबर, वो कंप्लीट होते ही जैसे मेरा चैनल अंडर रिव्यू में गया, उसके 2 हफ्ते में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। मुझे ज़्यादा देर वेट करना नहीं पड़ा, जो भी वो बिल्कुल झटपट हो गया। तो मैं ये छोटी मोटी आपको टिप्स दे दूंगा, तो मेरी वीडियो अगर देखनी होगी तो देख लीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी। तो चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको यूट्यूब पर करना कैसे है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको छोटी सी टिप दे दूँ, अगर आपको कोई चीज़ वायरल करनी है यूट्यूब पे तो कैसे करनी है। दोस्तों सबसे पहले मतलब 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जब मैंने अपने यूट्यूब का करियर स्टार्ट किया था, तो वो वीडियो थी रूटीन से रिलेटेड। तो जैसे मैंने वो वीडियो पोस्ट की तो दोस्तों उस वीडियो पे रोज के मुझे 100 व्यूज़ मिले, तो मैं बहुत मोटिवेट हुआ कि मैंने एक वीडियो डाली तो वो थोड़ी थोड़ी चल रही है, इतने लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो मैं बहुत मोटिवेट हुआ। तो उसके बाद जैसे मैंने एक दूसरी वीडियो डाली तो वो बिल्कुल चली नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उस पर 10 व्यूज़ 20 व्यूज़ के बाद बस खत्म, उसके बाद उस पर व्यूज़ नहीं आए। तो बहुत डिमोटिवेट हुआ कि मैंने ये वीडियो डाली क्यों नहीं चली। तो मैंने बड़ा लंबा गैप ले लिया यूट्यूब से, मतलब कि मैंने वीडियो डालना छोड़ दिया यूट्यूब पे। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो मैंने क्या किया, लाइक ऐप चला रहा था, लाइक ऐप थोड़ा ज़्यादा वायरल हो रहा है आजकल, तो मैं लाइक ऐप यूज़ कर रहा था। तो मतलब कि उस पर एक प्रॉब्लम थी कि लोग 15 सेकंड से ज़्यादा की वीडियो अपनी शूट नहीं कर पाते, तो मैंने उसमें एक ट्रिक निकाली जिससे वो 1 मिनट की वीडियो शूट कर पाए। तो अभी तो उसका एल्गोरिदम चेंज हो गया है कि उस पर अब 30 लेवल कंप्लीट करते ही 1 मिनट की वीडियो पोस्ट कर पाते, लेकिन जब मैंने ये वीडियो बनाई थी उसमें लेवल्स वाला कोई झंझट नहीं था, बस उसमें 15 सेकंड से ज़्यादा की वीडियो शूट नहीं कर पाते थे। तो जैसे मैंने वो ट्रिक निकाली, मैंने खुद की वीडियो बनाई 1 मिनट की, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूट्यूब पर बना के डाला जाए, यूट्यूब पर मैं बताऊँ कि कैसे इस पर 1 मिनट की वीडियो बनाई जाती है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने वो वीडियो अपलोड की तो सीधा वायरल हो गई, तो रोज़ के उस पर मुझे 1000 व्यूज़ आने लगे, तो मैं उसमें और ज़्यादा मोटिवेट हो गया। तो अब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैंने ये इस वीडियो में ऐसा क्या किया था कि मेरी वीडियो वायरल हो गई। मैंने क्या किया था उस वीडियो में कि जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी मैंने उस पर वीडियो बनाई, मतलब कि मैंने जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की तभी वो वीडियो वायरल हुई। दोस्तों अगर आपको भी ऐसे करना है तो आप बोलो कि हमें कैसे पता चलेगा कि लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं, उसकी भी एक टिप देता हूँ। अगर आप YouTube पे कोई वीडियो देख रहे हो टैक्स से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, जो भी आपका चैनल है, जो भी आप देख रहे हो, तो उसके कमेंट बॉक्स में देखो कि लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है उस वीडियो से रिलेटेड। तो आप देखो अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो उस पर एक वीडियो बना डालो, तो उस वीडियो को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता, यूट्यूब भी नहीं रोक सकता, क्योंकि लोगों को वो प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को उस बारे में जानना है, तो वो वीडियो वायरल होगी, 110% वायरल होगी। तो ये छोटी मोटी टिप्स जो मैंने आपको बताया, तो वही चीज़ मैंने अपने चैनल पर करना स्टार्ट कर दिया, जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी उसी पर मैंने वीडियोज बनाई। तो आज हमारे चैनल का फाइनली मोनेटाइजेशन अनेबल हो चुका है। दोस्तों मैंने 1.5 साल में मेहनत की तो आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। दोस्तों आपको भी अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए, अगर आज नहीं वायरल हो रहा, कल नहीं वायरल हो रहा, आप वीडियोस बनाते जाओ, एक ना एक दिन कोई ना कोई वीडियो आपकी वायरल होगी जिससे आपका भी चैनल मोनेटाइज हो जाए, आप भी थोड़ी इनकम कर पाओ। तो दोस्तों बस यही करना है आपको, आपको हमेशा ओरिजिनल कंटेंट रखना, कोई फेक नहीं करना, कोई कॉपी नहीं करना, किसी का भी कोई चीज़ कॉपी करके अगर वीडियो डालोगे तो एक भी व्यूज़ नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 व्यूज़ ले लोगे, 200 व्यूज़ ले लोगे, उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको हमेशा ओरिजिनल कंटेंट डालना है, रियल कंटेंट डालना है, खुद का बना के डालना है। और सबसे ज़्यादा आपको, जैसे मैं अभी फेस कैम वीडियोस बना रहा हूँ, आपको सबसे ज़्यादा फेस कैम वीडियो बनानी है, उसी से ज़्यादा लोग इंटरेक्ट हो पाते हैं, उसी से ज़्यादा लोग मतलब कि आपसे जुड़ पाते हैं। आपको भी हमेशा फेस कैम वीडियो बनानी चाहिए, अगर नहीं बना पाते तो कोई बात नहीं, आप जो कंटेंट है वो रियल रखो, खुद का रखो, कहीं से कॉपी मत करो, और जो प्रॉब्लम लोगों को आ रही है उसी पे वीडियोस बनाओ, तो आपका चैनल भी ग्रो होगा जैसे मेरा चैनल हो रहा है। तो दोस्तों कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि आपने अपने चैनल का सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं शो किए, तो दोस्तों अभी नहीं करूँगा, जैसे मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं कर दूंगा, क्योंकि 5 इज़ माई लक्की नंबर। तो दोस्तों बस 5000 होने वाले, बस
थोड़ा सा टाइम रह गया, जैसे 5000 हो जाएंगे मैं अपने सब्सक्राइबर शो कर दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर कर देना। सब्सक्राइब तभी करना अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अदरवाइज मत करना। तो इस वीडियो में बस।